नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिकेट विद नारायण के साथ। तो गाइज, हम हमेशा की तरह लेकर आए क्रिकेट के तीन बड़े न्यूज़, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। नंबर वन गाइज, शेन वॉटसन ने इंडिया टीम को लेकर एक बड़ा स्टेटमेंट दिया। शेन वॉटसन ने कहा कि इंडिया की टीम ये काफी अच्छे फॉर्म में है, जहां उनके सारे प्लेयर ये अपना बेच दे रहे हैं, इसलिए अब क्या प्लेइंग 11 खिलाई ये एक अच्छा प्रॉब्लम है इंडिया के लिए। मेरे हिसाब से मोहम्मद शमी ने टेक ओवर कर दी है मोहम्मद सिराज की स्पॉट, क्योंकि मोहम्मद शमी ने काफी अच्छी बॉलिंग डाली है लास्ट दो मैचेस में, वो काफी इनक्रेडिबल दिखा है। वही मोहम्मद सिराज की बात करें तो वो थोड़ा आउट ऑफ फॉर्म दिख रहा है लास्ट दो तीन इनिंग से, और वैसे भी हमने इंग्लैंड के अगेंस्ट देखा, जब शमी अपने बेस्ट फॉर्म में होता है तब उसे खेलना काफी डिफिकल्ट होता है, वो किसी भी बैट्समैन को बीट कर सकता है, और उसकी लेंथ अच्छी होने के वजह से वो हमेशा स्टंप को हिट करता है, वो हमेशा बैट्समैन को क्वेश्चन पूछता रहता है। इंडिया के लिए अनफॉर्चुनेट था कि हार्दिक पांड्या ये इंजर्ड हो गया, लेकिन उसके वजह से शमी को ये मौका मिला और उसने अपनी जगह बना ली है टीम में। अब इंडिया को ये सोचना होगा कि वो किसे खिलाएंगे। नंबर टू गाइस, रोहित शर्मा ने हार्दिक पांड्या के इंजुरी को लेकर एक बड़ा स्टेटमेंट दिया। रोहित शर्मा ने कहा कि हार्दिक पांड्या की इंजुरी में काफी अच्छी डेवलपमेंट है और हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिले हैं, और मैं ये नहीं कहूंगा कि हार्दिक अभी रिहैब पर है, लेकिन जो भी प्रोसीजर है वो हार्दिक पांड्या और एनसीए अंडरटेक कर रही है, वो अभी भी अवेलेबल नहीं है दो तीन मैचेस के लिए, लेकिन हम उसकी इंजुरी मॉनिटर कर रहे हैं और जितने परसेंट उसकी रिकवरी हुई है उस हिसाब से हम उसका बैटिंग और बॉलिंग लोड मॉनिटर करेंगे, और हम देख ही रहे हैं कि इस वर्ल्ड कप में हर दो तीन दिन बाद मैच हो रहा है, लेकिन हो सकता जिस तरह की उसकी रिकवरी है वो जल्द से जल्द टीम में आ सकता है, और हम होप करेंगे कि वो फिट हो जाए, क्योंकि वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टीम के लिए। नंबर थ्री गाइज, रोहित शर्मा ने अपने बैटिंग को लेकर एक बड़ा स्टेटमेंट दिया। रोहित शर्मा ने कहा कि मैं एंजॉय कर रहा हूँ अपनी बैटिंग, लेकिन ऑब्वियसली मैं टीम और सिचुएशन को देखकर खेलता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं जाता हूँ और बस बैट स्विंग करता हूँ माइंडलेसली, मैं अपने बैटिंग को अच्छे से यूज करता हूँ और टीम को एक अच्छे सिचुएशन में लाने की कोशिश करता हूँ, और यही मेरा माइंडसेट होता है, और जब मैं बैटिंग करने जाता हूँ तब स्कोरबोर्ड जीरो होता है, इसलिए मुझे गेम का टोन या सेट करना होता है, और आप ऐसा कह सकते हो कि मुझे एडवांटेज है कि मैं ओपनिंग बैट्समैन हूँ, इसलिए मेरे पर फॉल ऑफ विकेट्स का प्रेशर नहीं है, लेकिन जब भी मैं स्टार्ट करता हूँ मैं फेयरलेस क्रिकेट खेलने की कोशिश करता हूँ, लेकिन इंग्लैंड के अगेंस्ट लास्ट गेम में हम अंडर प्रेशर थे, हमने तीन विकेट गमा दिए थे पावर प्ले में, और इस वर्ल्ड कप में हमने काफी सारे गेम्स देखे, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि इस वर्ल्ड कप में अपसेट्स हुए हैं, क्योंकि हर एक टीम यहाँ मैच जीतने के लिए आई है, हर एक टीम यहाँ दूसरे टीम को बीट करने के लिए अपनी पूरी जान लगा रही है, इसलिए आप ये नहीं बोल सकते कि कोई भी टीम इजी है खेलने के लिए, आपको एज अ टीम आपके प्रोसेस पर कंटिन्यू रहना है। चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।